ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हमारे सनातन धर्म में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें 26 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन पानी पी लेते हैं या फलाहार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका व्रत खंडित हो जाता है, लेकिन हाँ, जब आप जल पी लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं, तो आपको 26 एकादशी में से एक ही एकादशी का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति पूरे साल एकादशी नहीं कर पाता है और निर्जला एकादशी कर लेता है तो उसे 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। वहीं यदि आप पानी भी नहीं पीते हैं, फलाहार भी नहीं कर लेते हैं, तो आप निर्जला एकादशी जब करते हैं तो आपको 26 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। पुराण में ये भी विधान है कि यदि आप दिन भर पानी नहीं पीते हैं, फलाहार नहीं करते हैं और सूर्यास्त के बाद ठीक 24 मिनट के बाद आप आराम से जल में तुलसी डालकर आप वो जल ग्रहण कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि पानी में आप नमक न मिलाएं, बल्कि पानी में नींबू निचोड़ कर पिएं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं जाएगा। और जब भी आप जल पिए तो उस जल को सबसे पहले भगवान के सामने जल का भोग भी लगाएं और फिर आप उस जल को पी लें। तो आइए हम जानते हैं एकादशी के नियम क्या है। निर्जला एकादशी का पहला नियम यह है कि जिस दिन भी एकादशी हो उसकी एक दिन पहले यानी दशमी की रात्रि को कोई ऐसा भोजन ना ग्रहण करें जो चावल से बना हो या चावल ही हो, क्योंकि एकादशी के पहले ही दशमी की रात्रि को चावल ग्रहण करने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी का दूसरा नियम यह है कि जिस दिन एकादशी हो उस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, इसका प्रयास जरूर करना। तीसरा नियम ये है कि एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है, अगर आप भूलवश कोई फल या जिस भी फलाहार आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं उसका थोड़ा सा भाग गाय को खिलाते हैं तो उसे भगवान विष्णु आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ माता प्रभु को अति प्रिय हैं। चौथा नियम ये है एकादशी का कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने गुरु मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। हो सके तो माला से नहीं बल्कि ऐसे ही जाप करें, जितना हो सके उतना करें। और हमारा एकादशी का अगला नियम ये है कि जिस दिन भी आप एकादशी का व्रत करें उस दिन किसी की निंदा न करें। अगर आपसे कोई आकर किसी की निंदा कर भी देता है तो तुरंत सूर्य भगवान का दर्शन करें और 3 बार आंखें बंद करके उनको प्रणाम करें, जिससे आपके अंदर की निंदा समाप्त हो जाएगी, वो पवित्रता में बदल जाएगी और आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस वीडियो में निर्जला एकादशी के बारे में चर्चा की है। मेरी पूरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही जुड़े रहें और ये वीडियो आज आप आगे भी भेजें ताकि जो हमारे हिंदू सनातनी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले हैं उन्हें इन नियमों की जानकारी हो सके। क्योंकि आपके जरिए जितने लोग निर्जला एकादशी के नियम को जानेंगे उतना ही फल आपको भी प्राप्त होगा। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।